व्हाट इज दिस ओपी 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 ओपी, ओरिजिनल पर्सन ओपी 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 ओपी। यार जनरेशन ही अजीब है, कोई एक नई चीज मिलती है धा 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 कमेंट में, कोई मीनिंग नहीं है उसका, बस ओपी 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 ओपी। नया है, सुनने में अच्छा लग रहा था, लिख देते हैं, हम भी कूल दिखाई पड़ेंगे, बाकी लोग के बीच में सब सोचेंगे हम कूल है, हम भी विनोद टाइप कर देंगे, विनोद टाइप करके हम भी कूल लगेंगे। क्यों बोल रहे हैं विनोद, क्या है विनोद, कुछ नहीं पता, लिखे जा रहे हैं कॉमेंट विनोद विनोद। मतलब एक बार सोच के देखो कितनी पागल हो गई है जनता, मतलब ये जनरेशन कितनी पागल कितनी सेंसलेस हो गई है, एक बार सोच के देखो। विनोद टाइप किया, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। विनोद एक और टाइप किया, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। पता नहीं किस बात का मन को एक, मतलब ये वो है कि आइडेंटिटी क्राइसिस इसको बोल सकते हो, कि अपने आप को फोकस करना, यूट्यूब कॉमेंट के अंदर मेरे कॉमेंट पे लाइक आ जाए, कैसी अजीब सी जनता हो गई है ना, सिर्फ विनोद लिख रही है, कोई मीनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सोचो कोई आज से 1990 का कोई इंसान आया, देखे के विनोद विनोद, फिर हमसे पूछे विनोद क्या, हमें पता नहीं, ऐसी ट्रेंड चल, बोलेंगे कितने पागल और खाली लोग बैठे हैं इस जनरेशन में, हमने सोचा था कि इंसान आगे प्रगति करेगा, ये क्या है, इस टाइप की बेवकूफियां करना बंद करो। अगर तुम्हें कहीं नाम टाइप करना है तो हमारी बबीता जी का करिए, उनको फेमस करिए।